Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse News Analysis. Today is 7 November 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got ready to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Verse News Analysis. Link aapko description box mein provided hai. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, गवर्नर्स डिलेइंग क्रूशियल बिल्स ऑन मैटर ऑफ कंसर्न सेज सुप्रीम कोर्ट. एक्चुअली यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में बाय द पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा. यहाँ पर पिटीशन ये फाइल की गई कि गवर्नर इज सिटिंग ऑन सम सेवरल की बिल्स, मतलब कि जो असेंबली है उनके द्वारा उन बिल्स को पास कर दिया गया है, बट गवर्नर उसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके फिजिकल एंड स्टेट एफिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं यहाँ पर इनसे बिल तो पास हो चुका है बट उसमें जो गवर्नर है कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं. इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने ये कहा है कि दिस इज़ अ सीरियस इशू वी शुड लुक इन टू. वाई शुड पार्टीज बी मेड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द गवर्नर टू एक्ट. वी आर डेमोक्रेसी इन द ऑपरेशन सिंस द बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर मैटर्स टू बी सॉर्टेड आउट बिटवीन द गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर. अब देखिए, ये जो इशू है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का, ये कई दिनों से चला आ रहा है. इस साल तो आपने स्टार्टिंग से ही देखा होगा, तमिलनाडु में यहाँ पर चल रहा था, आंध्र प्रदेश का ये इशू चल रहा था, कर्नाटक का इशू चल रहा था, महाराष्ट्र में ये इशू चल रहा था गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच. इवन दिल्ली में भी आपको जो हमारे एलजी साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है. अब एक स्टेट आपका और यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है पंजाब, तो आप ये सब इंक्लूड करते जाएंगे यहाँ पर. तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है. हम यहाँ पर क्या, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है सिंस द बर्थ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर ये जो भी इशूज़ हैं बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, इनको जल्द से जल्द क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा, शॉर्ट आउट करना होगा. क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारी गवर्नेंस है उसको इम्पैक्ट कर रहा है. तो गवर्नर शुड नॉट बी oblivious of the fact that they are not elected by the people. हमको गवर्नर को ये याद रखना होगा कि जो गवर्नमेंट है, एक आपकी जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि उनको काम करना है, कैसे क्या करना है. लेकिन गवर्नर क्या है आपके, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. ओके, सो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, यही बात की गई है. अब फर्दर हम देखते हैं इसमें आगे क्या निकल कर आता है. लेकिन आपके लिए यहाँ पर टॉपिक कौन सा आ जाता है, गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर. ओके, आई होप आपको क्लियर होगा ये. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट मूव करने से पहले डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा. हम यहाँ पर लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो हम किसकी, कौन सी पावर्स है हमारी, एक्सक्लूसिव पावर्स. आपको इस वर्ड पर फोकस करना है. नाउ हम यहाँ पर, हमारा पहला स्टेटमेंट है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी. यहाँ पर जो डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी, उसे रेटिफाई करना, ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर में आपका इंक्लूड होगा या नहीं, यू हैव टू टेल दिस. टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करना, इज इट इन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा और नोट. टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको इम्पीच करना, तो ये पावर किसके पास आती है, क्या लोकसभा के पास आती है या फिर दोनों हाउसेस के पास हमारे. ओके, ना इसमें आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, वन एंड टू ओनली, टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, एंड थ्री ओनली. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने लोकसभा वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुका होगा तो ऑफकोर्स आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तरीके से आंसर कर सकते हैं. तो आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में वीडियो को पहले पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को करना है. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रयतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल जब था हमारा, उस टाइम पर एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम कहते हैं रयतवारी सेटलमेंट इन इंडिया. ओके, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था हमें ये बताना है. ओके, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है. देखिए, कई बार ये जो सेटलमेंट्स होते हैं, रयतवारी सेटलमेंट होगा, आपका इंडिगो फार्मिंग होती है, बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे डायरेक्टली जो फैक्चुअल बेस्ड आपके क्वेश्चन होते हैं वो निकल कर आते हैं पूरे. अब देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको एक एक उसकी जो पॉइंट्स हैं उसको
आपको पता होंगे, याद होंगे, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एनालिसिस से होता है, कई बार फैक्ट्स भी इसमें पूछे जाते हैं, तो फैक्ट्स इज फर्स्ट, जो हमारे फैक्ट्स हैं उनको हमें याद भी करना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे, आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कार्निवाल्स, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, वन एंड थ्री ओनली टू एंड थ्री ओनली वन टू एंड थ्री। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। अगर नहीं पता है तो आप अपने नोट्स उठाइए, उनसे यहाँ पर देखिए कि रायथवाड़ी सेटलमेंट क्या है, कैसा हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया, वो भी नहीं पता, आपके पास इंटरनेट इतना बड़ा सोर्स है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में करना है, वीडियो के एंड में आप लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है द अटेल्को डबल डिप अटेम्प्ट दैट थ्रेटन नेट न्यूट्रैलिटी। अभी नेट न्यूट्रैलिटी एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, नेट न्यूट्रैलिटी का क्या मतलब होता है, ये एक प्रिंसिपल है। नेट न्यूट्रैलिटी इज अ प्रिंसिपल दैट इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर मस्ट ट्रीट ऑल ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंड टर्मिनेटिंग टू द इंटरनेट इन द सेम वे। मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि इंटरनेट का एक्सेस है, आप सभी के पास इंटरनेट का एक्सेस है, हम उस इंटरनेट सर्विस से बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक आप OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं और अदर जो भी चीज़ें होती हैं, तो हम उसका क्या करते हैं, उससे यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं। अगर आपको WhatsApp यूज़ करना है, अगर आपको हॉटस्टार यूज़ करना है, आपको नेटफ्लिक्स यूज़ करना है, आपको अमेज़न प्राइम यूज़ करना है, या फिर कोई भी आपका, हम कह सकते हैं मिंत्रा है आपका, जैसे कि शॉपिंग प्लेटफॉर्म जितने हैं, तो अब सबके लिए आप एक प्लान ले लेते हैं, ठीक है, आपने एक इंटरनेट प्लान ले लिया और इन सारी चीज़ों से क्या कर रहे हैं, आप इसका पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ द नेट न्यूट्रैलिटी, एक तरीके से ये प्रिंसिपल है कि प्रोवाइडर मस्ट ट्रीट ऑल ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंड टर्मिनेटिंग टू द इंटरनेट इन द सेम वे। द आइडिया हैज़ बिन डिप्लॉयड ओवर द टाइम बट इट मॉडर्न आर्टिकुलेशन मे बी लार्जली क्रेडिटेड टू द। अब देखिए ये जो आइडिया है बहुत टाइम पहले का है, लेकिन अभी इसको यहाँ पर चेंज किया गया कि ये कोलंबिया लॉ स्कूल प्रोफेसर टिम वू नो इन्हें ये नेट न्यूट्रैलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है। ओके, एक तरीके से 2003 में इनका एक पेपर रिलीज होता है जिसका टाइटल होता है नेटवर्क न्यूट्रैलिटी ब्रॉडबैंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से यही कॉन्सेप्ट आपका प्रपोज होता है नेट न्यूट्रैलिटी का, कि जितने भी यहाँ पर फील्ड्स हैं इंटरनेट की फील्ड में, उन्हें सबको क्या करना है, आपको इवन तरीके से प्रमोट करना है, यहाँ पे कोई भी मतलब को सबको एक साथ लेकर सबको एक जैसा ट्रीट यहाँ पर करना है। इतना आपको क्लियर हुआ? नाउ यहाँ पर ये इशू क्या है, इशू ये है कि इस साल जुलाई में जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया है, ये एक तरीके से इन रिक्वेस्ट किया है आप कह सकते हैं, कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म है उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या है, जितने भी हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो वेरियस टाइप्स की जो आपकी मैकेनिज़म्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। लाइक फॉर मोर देन डिकेट्स नाउ टेलीकॉम कंपनीज हैव सीन रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रीम सच एज वॉइस कॉल एंड शॉर्ट मैसेजेस सर्विस। आपका जो SMS सर्विस होती है, वॉइस कॉल सर्विसेज होती है, तो टेलीकॉम कंपनीज इससे क्या कर रही हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। ओके, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आप एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन जब से ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इनमें इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो कई बार फ्री होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी से, जैसे कि हॉटस्टार में होता है, लाइव कुछ चल रहा है तो आप किसी से भी वहाँ पर बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, तो इस तरीके की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इससे जो हो रहा है कि जो डेटा ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, उसे हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो दैट लेमेंट OTT सर्विस आर नॉट सब्जेक्ट टू सेम लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड लाइसेंसिंग फी। और जो OTT सर्विसेज होती हैं उनका जो टैक्सेशन जो उसमें टैक्स लगता है, और उनकी जो लाइसेंसिंग फीस है, जो लाइसेंस फीस होती है, वो भी क्या होती है, यहाँ पर कम होती है ना। यहाँ पे फ्लॉ कहाँ पर है, कमी कहाँ पर है, तो OTT कंसल्टेशन हैज़ रेन्यूड द क्लेमर फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनीज दैट कंटेंट प्रोवाइडर सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एंड डिजनी हॉटस्टार प्लस। आप सभी को देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म क्या है हमारे, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जहाँ पर आप जो आपको कंटेंट, जो विजुअल्स होते हैं, विजुअल कंटेंट्स, वो आपको देखने को मिलते हैं। अब उसमें वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट देते हैं। जब आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा तो आप उसी चीज़ को अप्रोच करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनका जो कंटेंट होता है वो इतना अच्छा मान लीजिए नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फिर उनका कंटेंट अच्छा नहीं है, कंज्यूमर्स उसको अप्रोच नहीं करेंगे, कंज्यूमर्स अप्रोच नहीं करते तो उनको क्या होता है, लॉस होता है। अब अपने लॉस को कवर करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो उनका मंथली सब्सक्रिप्शन का फीस होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं।
तो इंक्रीज़ कर दिया, तो वो और क्या होते जाते हैं यहाँ पर, पीछे होते जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लॉ हमारे सामने निकल कर आता है तराई के साथ। ओके, सो बाय ऑफरिंग सर्विस दैट कंज्यूमर डिज़ायर, OTT प्लेटफॉर्म जनरेट डिमांड फॉर इंटरनेट। अब OTT प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि वो सर्विस यहाँ पर ऑफर करते हैं जो कंज्यूमर्स डिज़ायर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अच्छी मूवी देखना है, आपको कुछ भी देखना है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से अब उन OTT प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंटेंट डिलीवरी और जो नेटवर्क है उसका यहाँ पर क्या बनता है, आपका एक कनेक्शन, मतलब एक लिंक यहाँ पर बनती है। तो ये पूरा यहाँ पर इशू आता है कि किस तरीके से हमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लिबर्टी, उसको टेलीकॉम कंपनीज आर एट द लिबर्टी टू इंक्रीज देयर प्राइसेस। टेलीकॉम कंपनीज को जब यहाँ पर फ़ायदा नहीं होता, लॉस होता है, सब्सक्राइबर्स यहाँ पर क्या होने लगते, धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो OTT जो आपकी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं उसको इंक्रीज़ करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे क्या करना है, मेंटेन करना है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण जो आपके टेलीकॉम कंपनीज़ के हैं उसको हम यहाँ पर क्या कर पाते हैं, अपहोल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर एक ये एग्जांपल के तरीके से बताया गया है कि आपका यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि टोल टैक्स हम देते हैं कई बार, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी गाड़ी है, ओके, और वो जा रही, तो उससे हमने क्या किया, एक्स्ट्रा चार्जेस किए, टोल टैक्स है वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा चार्जेस किए। अब वो जो एक्स्ट्रा चार्ज है टोल प्लाजा में, जो हमने ये पॉपुलर कोई व्हीकल है, तो क्या होता है कई बार जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, लेकिन टोल प्लाजा में अगर ये एडिशनल टैक्स जो है चार्ज किया गया, तो डायरेक्टली ये किसको पेबल होता है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को होता है। किसको जाता है, ये मैन्युफैक्चरर्स को होता है। तो देखिए, अगर इस तरीके के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते जाएंगे तो इनडायरेक्टली क्या करेगा, जो उस व्हीकल की डिमांड है उसको वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो बायर्स जो हैं आपके, जो कंज्यूमर्स हैं, उसका जो उसका अट्रैक्टिवनेस है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इस आर्टिकल में मतलब यही है टेलीकॉम कंपनीज़ का और जो आपके OTT प्लेटफॉर्म है, कि जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा उस को कंज्यूमर ज़्यादा एक्सेस करेंगे और उसके लिए यहाँ पर प्लान्स खरीदेंगे। तो यहाँ पर जो तरई के रेगुलेशंस हैं, नेट न्यूट्रलिटी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ तरई रेगुलेशन, जो ये नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट था, ये तरई के रेगुलेशंस जो थे ऑन प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक ऑन डेटा सर्विस ब्रॉट ऑन 8 February 2016, उस बेसिस पर यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल नेट न्यूट्रलिटी का उसको फॉर्म किया गया था। उसके बाद यहाँ पर चेंजेस होते हैं 2017 में, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन आती है, उसके बाद जो कुछ न्यू प्रिंसिपल्स यहाँ पर क्या किए जाते हैं, आपके ऐड किए जाते हैं। सो अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी इज़ नॉट म्योरली अबाउट प्रिजर्विंग द एथोस ऑफ एन ओपन इंटरनेट बट प्रिजर्विंग द एथोस बट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग फॉर फॉस्टरिंग एंड कंड्यूसिव इन्वॉल्वमेंट फॉर इनोवेशन, कॉम्पिटिशन, कंज्यूमर वेलफेयर, स्पेशली कंट्रीज सच एस इंडिया वेयर द इंटरनेट इज गोइंग टू बी कैरियर ऑफ ऑल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अब नेट न्यूट्रलिटी को हम किस तरीके से हम इथोस जो है और ओपन मार्केट को प्रिजर्व करने के लिए नहीं लगा सकते। आज का जो टाइम है वो कैसा है, स्पेशली इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो कैसा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का है। यहाँ पर हमें कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, एक इनोवेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कंज्यूमर वेलफेयर वाले जो इन्वायरमेंट है वो आपको क्रिएट करना होगा, तभी आप मार्केट में कर पाएंगे, यहाँ पर रह सकते हैं, अदरवाइज आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। ओके, आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव कर, देखिए ये आर्टिकल इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें वही इसराइल और इंडिया की बात की गई है, किस तरीके से जो इंडिया है वो इसराइल, इंडिया पाकिस्तान को हैंडल कर रहा, यहाँ पे इसराइल वाला केस, इन दोनों को लिंक किया गया, तो ये इतना ज़्यादा अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ द पर्सनल डेटा ऑफ 15 मिलियन इंडियंस गॉट ब्रीच्ड। यहाँ पर अभी क्या हुआ है, 15 अक्टूबर को रिस सिक्योरिटी एंड अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने ये कहा है, ये आइडेंटिफाई किया है कि 815 मिलियन सिटीजन्स जो हैं, इंडियन सिटीजन्स, उनका जो आधार नंबर होता है, पासपोर्ट डिटेल्स होती हैं, वो डार्क वेब में, जो आपका डार्क वेब होता है उसमें सोल्ड आउट की गई हैं। आपको यहाँ पर कंटेंट क्लियर हुआ, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि 15 अक्टूबर को ये बात मतलब कि सामने निकल कर आई स्टोरी, अभी तक ये समझ में आया है कि 15 अक्टूबर को 815 मिलियन इंडियन सिटीजन्स का जो डेटा है, मतलब कि आधार कार्ड और जितनी भी पासपोर्ट डिटेल्स हैं, उन्हें डार्क वेब में, आपका जो डार्क वेब होता है वहाँ पर सोल्ड किए गए हैं, बेचे गए हैं। थ्रेट एक्टर वर्ल्ड विलिंग टू सेल द डेटा फॉर 80,000
$80,000 फॉर द कंपनी सेड इट टू बी ब्लॉक पोस्ट। तो यहाँ पर $80,000 में क्या किया जा रहा है, जो थ्रेट एक्टर है उसको यहाँ वो सेल करने की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ऐसा पहली बार हुआ है क्या? नहीं, पहले भी कई बार हो चुका है। जो आधार नंबर हमारा 12 नंबर का होता है, 12 डिजिट का होता है आधार नंबर, तो वो भी कई बार क्या हो चुका है, आपका बेच हुआ है। और यहाँ पे एलिगेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि जो डेटा यहाँ पे क्लेम किया गया है ना, जो थ्रेट एक्टर है वो डेटा यहाँ पे सेल कर रहा है, उसका जो डेटा का सोर्स है, मतलब उसको डेटा कहीं ना कहीं से मिला होगा ना, इतना ज़्यादा 815 मिलियन पीपल का जो डेटा है, कहीं आपको ऐसे कोई बैठ के तो ढूंढेगा नहीं, है ना, कहीं ना कहीं से आपको एक बहुत बड़ा सोर्स होगा। तो ये कहा जा रहा है कि जो डेटा है कहाँ से मिला है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से। अभी तक ये रूमर्स ही हैं, अब क्या इसमें मतलब कि एक्चुअलिटी है, क्या इसमें मतलब कि सच्चाई है, ये अभी हमें नहीं पता है, ओके, इसके बारे में। अब व्हाट इज द नेचर ऑफ पर्सनली आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, तो हम PIA की बात करते हैं, तो ये एक रिलेवेंट डेटा होता है, आप सभी को पता है। आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ क्वाजी आइडेंटिफायर्स होते हैं, लाइक हम हमारा जो 12 डिजिट का आधार नंबर, यूनिक आधार नंबर है। और आज के टाइम पे ये जो आधार नंबर है, आप सभी को पता है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, आपके स्कूल में लिंक है, आपके कॉलेज में लिंक है, आप कहीं भी जाते हैं, इवन आप जो सिम कार्ड खरीदते हैं उसमें भी आपका आधार का यहाँ पर क्या क्या KYC सारी चीज़ें की जाती हैं, तो हर जगह आपका आधार लिंक है। तो एक नंबर, अभी एक आर्टिकल आया था कुछ दिनों पहले, हमने डिस्कस किया था इफ़ यू रिमेम्बर, कि ये जो आधार नंबर है ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी बन सकता है, कि अगर हम एक नंबर से बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये अभी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं, ओके। सो 54% ऑफ इंडियन बिजनेसेस सेड दैट दे एक्सपीरियंस मोर देन 50% ऑफ राइज एंड डिस्ट्रप्टिव साइबर अटैक लास्ट ईयर। तो ये जो साइबर अटैक का केस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। स्पेशली जो आधार नंबर है इसमें, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो थ्रेट एक्टर है उसने PWN0001 इस नाम से जो पूरा डेटा है उसको यहाँ पर सेल करने की बात की जा रही है। सो वॉट कैन यूजर डू टू सेव गार्ड देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर यूजर्स कर सकते हैं अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करने के लिए। सो यूजर्स शुड ट्राई टू असेंड इफ देयर इंफॉर्मेशन वॉज लीक्ड इन डेटा लीक। यहां पर यूजर्स को क्या होना चाहिए, या तो उनके हम कह सकते हैं ईमेल में मैसेज आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए, या फिर मैसेज आना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो लीक किया जा रहा है। आप लोगों को पता है, जैसे कि हम यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सभी लोग इंस्टाग्राम यहाँ पर यूज़ करते ही होंगे। अगर इंस्टाग्राम का जो अगर कोई सेकंड फ़ोन में, सेकंड डिवाइस में हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट को ओपन करते हैं, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका ये जो अकाउंट है इस डिवाइस में ओपन किया गया, इज़ इट यू और नॉट, है ना, हमारे पास ऐसा ऑप्शन आता है। तो अगर कहीं भी हमारा जो डेटा ऐसा ब्रीच होता है या फिर आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, तो हमारे पास एक ऐसा पॉपअप मैसेज आना चाहिए, ओके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया भूटान टू डिस्कस न्यू रूट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। अब आप सभी को पता है कि जो भूटान के किंग हैं वो इंडिया की विजिट में आए हुए हैं, इसी के चलते हमने बहुत सारी जो हमारे रीजनल कनेक्टिविटी के रूट्स हों, न्यू रूट्स हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि हम क्या करेंगे इससे इंडिया और भूटान की जो कनेक्टिविटी, उसको यहाँ पर एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। सो द टू साइड एग्री टू गो अहेड विद फाइनल सर्वे ऑफ 58 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन गेलुफू एंड कोकराझार इन आसाम। तो यहाँ पर एक हमारा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है 58 किलोमीटर का आसाम में और वहाँ पर भूटान में, तो इस लिंक को यहाँ पर क्या करें, इसका सर्वे किया गया, फाइनल सर्वे। और यहाँ पर जो हमारा 12th 5-year प्लान था भूटान के साथ, हमारा जो फ्रेंडशिप प्लान था वो क्या हो चुका है, अब एक्सपायर हो चुका है, 31st October को एंड हो चुका है, ओके। अभी प्लान किया जा रहा है, कमिटमेंट किया जा रहा है कि हमारा 13th 5-year प्लान को हम क्या करेंगे, लेकर आएंगे। इसमें इसके साथ साथ जो हमारा ये क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है इसकी बात की गई है और रिफॉर्म्स की बात की गई, साथ साथ इसमें जो हमारा ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने की, स्ट्रेंथन करने की बात की है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट करने को मॉडर्नाइज करने की बात की गई है, जो यहाँ पर ईजिंग ट्रैवल, जो कंट्रीज़ के बीच में ट्रैवलिंग को ईज करने के लिए यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हैं, फर्दर एक्सचेंजेस बांग्लादेश इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प रेज भूटानीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेड एंड ट्रेवल। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेंडेमिक के बाद COVID-19 जो आपका पेंडेमिक था, उसके बाद भूटान की इकॉनमी बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर आपकी हिट हुई थी, फिर धीरे धीरे हमने यहाँ पर आफ्टर लॉकडाउन पोस्ट कोविड में हमने क्या किया, भूटान को यहाँ पर हेल्प भी किया है, जिसके अब धीरे धीरे क्या हो रही है, उनकी जो इकॉनमी है यहाँ पर ग्रो कर रही है, ओके। सो ये आपका इंडियन भूटान रिलेशन में आ जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑड इवन व्हीकल
रोटेशन स्कीम टू रिटर्न इन दिल्ली। आप सभी को यहाँ पे ऑड इवन जो स्कीम थी इसके बारे में पता ही होगा कि दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था कि एक दिन आप ऑड नंबर जो आपकी नंबर प्लेट है उसमें ऑड नंबर की जो कार ऑड नंबर नेम प्लेट की जो व्हीकल है आप उसको रोड में ले जा सकते हैं, और या फिर एक दिन दूसरे दिन इवन नंबर की। तो दिल्ली में इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ड्यू टू दैट जो स्कूल्स हैं उनको भी यहाँ पे शट डाउन करके रखा गया है। सिर्फ यहाँ पे जो क्लासेस 10 और 12 की क्लासेस हैं वो लगाई जा रही हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं जो एयर क्वालिटी उसके कांटेक्ट में थोड़ा कम से कम आए इस बात का ध्यान रखते हुए स्कूल्स को अभी बंद करके रखा है। इसी के चलते यहाँ पर जी इस सीवरिटी को रोकने के लिए ऑड इवन व्हीकल रोटेशन स्कीम को अभी इंप्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 13 नवंबर to 20 नवंबर टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। ओके, तो अभी सिर्फ ये आपके लिए यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्स IPMDA इनिशिएटिव प्रूफ ऑफ आवर कमिटमेंट टू अ फ्री इंडो पैसिफिक। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड IPMDA, ये क्या है, इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ये क्वाड के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था आपका कब, 2022 में, जिसमें हमने ये कहा था कि आपकी जो हम किसकी बात करते हैं, सबमरीन्स की, तो 170 से लेकर 180 सबमरीन्स को हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। इसमें से हम देखेंगे 66 आउट ऑफ 68 जो शिप्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी इंडिया में। एक तरीके से हमारा क्या हो रहा है कि 2047 का जो हमारा पुली आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना है उसके तरफ ये हमारा पहला कदम हो सकता है। आज के टाइम पर अगर हम देखें जो सिचुएशन है, हमें यहाँ पर क्या होना होगा, रेडी होना होगा। आप सभी को यहाँ पर चाइना के साथ हमारे इश्यूज़ के बारे में पता ही है कि चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ है। उसके बाद यूक्रेन क्राइसिस, वेस्ट में अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना के साथ जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ है, तो इन सारे क्राइसिस को देखते हुए हमें यहाँ पर तैयार रहना होगा कि कभी भी यहाँ पर इस टाइम पर कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अभी यहाँ पर हम देखेंगे। सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्वाड के द्वारा अनाउंस किया गया था। क्वाड में कितने मेंबर्स हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA। टोक्यो समिट जब आपका हुआ था वहाँ पर जो इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इसको यहाँ पर अनाउंस किया गया था। ओके, इसमें क्या होगा, जो फास्टर, वाइडर, मोर एक्यूरेट मैरिटाइम जो पिक्चर्स हैं, रियल टाइम जो एक्टिविटीज़ हैं पार्टनर्स की, वाटर इंटीग्रेटेड की, उसको यहाँ पर लिया जाएगा, और जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर उसमें हम सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पर इसको अनाउंस किया गया था। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। देखिए, न्यूज़ और आर्टिकल्स तो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तो पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी की, तो ये एक्सक्लूसिव पावर में आपका नहीं आता है। जो इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होता है इट शुड बी रेटिफाई फ्रॉम बोथ हाउसेस, ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकेंड है हमारा टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो इट ये आपका एक्सक्लूसिव पावर में आता है, क्योंकि जो लोकसभा होता है दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। ओके, यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो इम्पीचमेंट होता है ये दोनों हाउसेस से होता है, और ये जो इम्पीचमेंट का आपका जो ड्राफ्ट आता है वो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में क्या किया जाता है, आपका पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है टू ओनली, ऑप्शन बी। सेकेंड आपका यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रयतवारी सेटलमेंट। रयतवारी सेटलमेंट की बात करते हैं, तो रयतवारी सेटलमेंट यहाँ पर ब्रिटिश रूल में आता है, और इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है टू एंड थ्री ओनली, ऑप्शन सी। अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो ने क्या किया था, इसे इंट्रोड्यूस किया था। आप एक बार एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे। सो रयतवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो इन 1820 में इसे जो थॉमस मुनरो थे इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, है ना, ये कैसा था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो इंडिया के सेवरल पार्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया था। इसको फिर एडमिनिस्ट्रेट किसने किया था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको एडमिनिस्ट्रेट किया था। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हो जाते हैं, टू एंड थ्री ओनली। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अब क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।